नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्राइबर का 70,000 का ओनरशिप रिव्यू लेने जा रहे हैं दोस्तों। तो तैयार हो दोस्तों? तैयार हो। सो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में भाई हम अपने ट्राइबर का 70,000 किलोमीटर वाला ओनरशिप रिव्यू लेने जा रहे हैं। इसमें भाई मैं हर पॉइंट को क्लियर करूंगा, जितने भी आपके मन में डाउट्स होंगे सारे के सारे आज क्लियर होने वाले हैं रेनो ट्राइबर को लेके। तो ये देखो भाई, ये चल चुकी है 70,000 से भी ज्यादा, मतलब 71,204 किलोमीटर। और मेरे पास इसका टॉप वेरिएंट था, जो इसका RXZ आता था, ये है भाई इसका RXT वाला वेरिएंट। ये देखो, तो सबसे ऊपर आता था भाई इसका RXZ, फिर RXT, फिर RXL, फिर RXE जो इसका बेस वेरिएंट था। तो ये है भाई इसका टॉप से ठीक नीचे वाला, तो इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। और जो मेरी वाली थी वो तो अभी जा चुकी है, आपको मालूम है। तो उसके भी रिलेटेड हम सारे के सारे डाउट्स आज क्लियर करने वाले हैं कि क्या रेनो ट्राइबर आपके लिए एक अच्छी गाड़ी है या फिर नहीं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले भाई आज मैं आपको एक बहुत गजब का प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, जो कि है ऑटो हब का ये विंडशील्ड वॉशर। भाई अगर आप इतनी महंगी गाड़ी रखते हैं तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप अपने कार में प्रोडक्ट्स अच्छे यूज करें, माइक्रोफाइबर क्लॉथ अच्छा यूज करें, शैम्पू अच्छा यूज करें, क्लीनर अच्छा यूज करें, ताकि आपकी गाड़ी हमेशा नई की तरह चमकती रहे। आप इसे ध्यान से देखोगे, इसमें फोकस नहीं हो रहा होगा, ये इसमें कुछ मार्क्स पड़े हुए हैं। मैं कितना भी वाइपर चला लूं, देखो ये गाड़ी पूरी धोई हुई है, देख रहे हो, गाड़ी एकदम चमक रही है पूरी तरफ से, पर इसमें ये जो मार्क्स यहाँ से पड़े हुए हैं छोटे छोटे, ये मार्क्स नहीं जाते हैं जब तक आप एक अच्छा विंडशील्ड वॉशर यूज ना करें। इसे यूज कैसे करना है इसके बारे में जल्दी से बात करते हैं। ये है भाई मेरे पास 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में हमें ये लिक्विड से 20 ml मिलाना है, 20 ml। तो ये इसमें मैंने मिला लिया है, देखो ये हल्का सा आपको ब्लू ब्लू सा दिखने लगेगा। इसे हम अच्छे से पहले शेक कर लेते हैं, और शेक करके इसके बोनट के अंदर पहले डाल देते। वाह भाई देखो क्या गजब का इल्यूशन बन रहा है, वाह देखना ये देखो। तो बाकी गाड़ी में आपको उस साइड मिलेगा, पर रेनो ट्राइबर में आपको यहाँ पे मिलेगा ये वाला टैंक। तो इसके अंदर हमें ये लिक्विड पूरा डालना है, पहले गिरना मत गिरना मत, ये बात। हाँ भाई, तो ये 1 लीटर पूरा जा चुका है, देखो ये ऊपर तक दिख भी रहा है। लेट्स गो, अब देखो मैं वाइपर चलाने वाला हूँ, ये देखो। अब देखना इसमें जो भी मार्क्स पड़े हुए थे ना, तो भाई चिड़िया गंदा कर देती है, ये एकदम क्लियर साफ कर देता है। वाह भाई बहुत गजब है ये देखो, यहाँ पे जितने भी मार्क्स पड़े हुए थे सारे के सारे एकदम गायब हो गए। तो भाई प्रोडक्ट ये वाला मेरी तरफ से एकदम पास है, 1 नंबर प्रोडक्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप खरीद सकते हैं, या फिर आप इसे जाके सीधा अमेजोन से भी खरीद सकते हैं। एक बार और ध्यान से देख लो कौन सा ये ऑटो हब का विंडशील्ड क्लीनर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो भाई अपनी ट्राइबर का। तो ये गाड़ी भाई अपनी चल चुकी है टोटल 71,204 किलोमीटर, और जो मेरे पास थी मेरी 2442 वो वाली चल चुकी थी 43,000, तो वो कम चली थी, ये ज्यादा चली है। बल्कि भाई वो पहले की थी, वो थी अगस्त 2020 की, ये नवंबर 2020 की। पर ये गाड़ी भाई बहुत लंबा लंबा गई है, उत्तर प्रदेश से कश्मीर तक, इवन मध्य प्रदेश से कश्मीर तक ये गाड़ी गई है। ये समझ लो कि लंबे से लंबा ट्रिप भाई इस गाड़ी ने मार रखा है। तो सबसे पहला पॉइंट भाई हम क्लियर करते हैं कि रेनो ट्राइबर लोगों की चॉइस क्यों होती है या फिर क्यों होनी चाहिए। तो भाई देखो, रेनो ट्राइबर एक सस्ते बजट में आने वाली सेफ 7 सीटर गाड़ी है। सेफ मतलब 4-स्टार रेटेड सेफ्टी है। क्वालिटी अच्छी नहीं, पर सेफ्टी तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मतलब ये बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी गाड़ी की सेफ्टी भी चेक कर लिए हो। तो भाई मेरी गाड़ी का बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था, जो मेरी 2442 थी, पर इवन उसका सामने एयरबैग नहीं खुला था क्योंकि सामने से इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं था। तो उसकी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे कि क्यों और कैसे हुआ था, तो वो आप देख सकते हैं क्या हुआ था। तो उसे हम थोड़ा साइड करते हैं। सेफ 7 सीटर गाड़ी है रेनो ट्राइबर, जो कि सस्ते बजट में आ जाती है, मतलब 8 से 10 लाख के बीच में आपको इसका टॉप मॉडल मिल जाएगा। एक हैचबैक के प्राइस में आपको एक 7 सीटर गाड़ी मिल रही है, बस कुछ कमियां हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो जिनकी नीड 7 सीटर की है, जो लोग 5 सीटर नहीं चाहते हैं, उनका बजट भी कम है, पर उन्हें चाहिए कि हम भाई 7 लोग बैठा के चले या हमारी फैमिली बड़ी है, तो वो रेनो ट्राइबर पर जा सकते हैं। 2019 से गाड़ी आ रही है, अभी 2030 चल रहे हैं, अभी इसमें कुछ अपडेट्स भी आते जा रहे हैं, मे भी बहुत ही जल्दी इस गाड़ी का फेसलिफ्ट भी आ जाए, तो लेट्स सी वो सारी चीजें कब तक होती हैं। तो ये लोगों की चॉइस इसलिए होती है क्योंकि एक सस्ते बजट की 7 सीटर गाड़ी है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई इस गाड़ी में जैसे हम बैठते हैं आके, तो हमारी सीटिंग पोजीशन कैसी है, हमारा व्यूइंग एंगल कैसा है, और गाड़ी में कम्फर्ट किस हिसाब का है। सीटिंग पोजीशन की बात करें तो भाई जैसे 7 सीटर आती थी एक डैटसन गो प्लस, वो कलंक थी भाई 7 सीटर पे। पर इसमें बैठे हैं आप या अल्टिगा में बैठे आपको ज्यादा फील नहीं होगा, बट हाँ ये गाड़ी अल्टिगा से भी ज्यादा कंफर्टेबल है। अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो देखो कितना सही मिलता है इसमें ड्राइवर साइड भी, और अगर आप लॉन्ग रूट जा रहे हैं, मतलब आप 3-4 किलोमीटर जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम इतना लंबा ट्रेवल कर चुके हैं।
बात करें व्यूइंग एंगल की, तो इस गाड़ी का भाई ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा है और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप कोई एसयूवी चला रहे हैं, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी चला रहे हैं। एसयूवी तो फिर ज्यादा हो जाएगा, पर कॉम्पैक्ट एसयूवी आप कोई चला रहे हैं तो आपको ऐसा सा फील होने वाला है। सीटिंग पोजीशन, कंफर्ट, व्यूइंग एंगल, हर चीज में ये गाड़ी, मैं इसे 10 में 9 नंबर तो दूंगा ही दूंगा। उसके बाद बात करते हैं हम इसके भाई केबिन इंसुलेशन की, कि अंदर क्या गाड़ी नॉइजी है। तो देखो मैं गाड़ी अभी चला रहा हूँ, अगर मैं शांत भी हूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बाहर की नॉइज आ रही है या फिर नहीं। तो केबिन इंसुलेशन भाई इतना सही है कि अगर मैं एक बार शीशा खोल दूंगा तो आपको खुद ही हर चीज समझ में आ जाएगी। भैया हैरियर लिए काहे मोड़े दे रहा। तो केबिन इंसुलेशन भाई गाड़ी में काफी अच्छा है, अंदर आप बैठेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रीमियम फील होगा कि हाँ कोई अच्छी गाड़ी चला रहा है, आप कोई बड़ी गाड़ी चला रहा है, आपको छोटी गाड़ी चलाने वाला फील आएगा ही नहीं। बात करते हैं इसके इंजन रिलायबिलिटी की। देखो ये गाड़ी अभी 70,000 चल चुकी है, मेरी वाली 43,000 चल चुकी थी। 70,000 में भाई इसका इंजन का जो रिस्पॉन्स है, ना ही इंजन भाई बिल्कुल भी इसका नॉइजी हुआ, ना आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई पुरानी गाड़ी चला रहे हो। मतलब जैसी गाड़ी शुरू में आई थी वैसी गाड़ी आज भी है। मेरी वाली में थोड़ा सा भड़बड़ाने की आवाज आया करती थी क्योंकि उसके साथ एक आध बार कुछ चीजें हो चुकी थी। ये वाली जो गाड़ी है चाचा वाली, ये काफी ज्यादा मेंटेन है और ऐसा नहीं कि ये पैसा खाती है या हैजा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेंटेनेंस चार्ज भी इससे कुछ ज्यादा नहीं है। उसके बारे में एक हम उनका पूरा का पूरा ओनरशिप रिव्यू जल्दी ही ले लेंगे कि उन्होंने इसमें कितना पैसा लगाया है या क्या क्या चीज अभी तक इसकी चेंज हो चुकी है। मुझे जहां तक मालूम है भाई कि इसके टायर चेंज हो चुके हैं क्योंकि इसके जो पुराने वाले टायर थे वो खराब हो चुके थे क्योंकि अलाइनमेंट इसका आउट था, तो उसके पूरे टायर चट चुके थे। और 70,000 किलोमीटर भाई कम भी नहीं होती है, मुझे लगता है 3-4 महीने बाद ये गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर आराम से कम्प्लीट कर लेगी। और इतना ज्यादा किसी की ड्राइवर चली भी नहीं होगी, इवन मैं इतना चलता था तब भी मेरी उतनी नहीं चली थी जितनी ये चली हुई है। इसके बाद भाई हम बात करते हैं गाड़ी के राइड क्वालिटी के बारे में। तो भाई देखो इसका स्टेयरिंग का फीडबैक और गाड़ी चलाने में देखो कैसी है राइड क्वालिटी। आपको इसे मजा है कि गाड़ी अगर आप भगा रहे हैं तब भी ठीक है। ये लो भैया हमने गोबर ओबर उड़ा दिया। तो ये देखो तो राइड क्वालिटी भी गाड़ी में बहुत अच्छी। स्पीड भाई गाड़ी में समझ में नहीं आती है, देखो 60-70, पर गाड़ी में ऐसा नहीं लग रहा है कि हम बहुत तेज कोई गाड़ी भगा रहे हैं। और भाई ड्राइवर रोड पे दिखने भी लगी है, देखो ये सामने से भी ड्राइवर ही आ रही है। पहले आप क्वालिटी का वगैरह दिखती थी रोड पे ज्यादा, तो ड्राइवर पहली चीज तो एक इसमें अच्छा ये है कि ये गाड़ी टैक्सी पे नहीं चलती है, अल्टिका तो एकदम टैक्सी वाला वाहन हो चुकी है। और दूसरी चीज ये है कि गाड़ी अच्छी है भाई, रिलायबल है और लोगों की अभी चॉइस बनती चली जा रही है। कई बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनकी भाई चॉइस ड्राइवर हुई है, बाकी अगर वो लोग चाहें तो कुछ भी खरीद सकते हैं, पर उन्होंने भी पहले ड्राइवर ही खरीदी थी। तो ड्राइवर एक अच्छी गाड़ी है। राइड क्वालिटी की बात करें तो भाई राइड क्वालिटी भी गाड़ी में बहुत सही है, इसमें स्टीयरिंग का फीडबैक आपको काफी अच्छा है, बॉडी रोल इसमें आपको फील नहीं होगा, तो राइड क्वालिटी इज सुपर। उसके बाद बात करते हैं कि जब आप पहली बार इस गाड़ी में बैठते हैं तो आपको कैसा फील होता है। तो भाई जब पहली बार आप इस गाड़ी में बैठेंगे तो आपको कहीं से ये फील नहीं होगा कि आप 7.5-8 लाख रुपए की एक 7 सीटर में बैठे, जो कि एक सस्ती 7 सीटर लोग बोलते हैं, कहते हैं सबसे सस्ती, इंडिया चीपेस्ट 7 सीटर इसको नाम दिया गया है। तो अंदर से बैठने में आपको फील नहीं होगा कि आप इंडिया सेफेस्ट 7 सीटर में बैठे, सॉरी इंडिया चीपेस्ट 7 सीटर में बैठे हैं। भाई सेफेस्ट 7 सीटर ही कहना शुरू कर दो, कि भाई सेफेस्ट यही है 4-स्टार रेटेड सेफ्टी के साथ। बाकी मैंने बहुत अल्टिका अल्टिका देखी है ऐसे एकदम मुड़ जाती है, पर मेरा इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था, पर भाई तुम्हारा भाई एकदम सही है अभी। उसके बाद भाई बात करते हैं हम गाड़ी के पावर की। काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि रेनो ड्राइवर बहुत ज्यादा अंडर पावर्ड है, अल्टो K10 बराबर इंजन इतनी बड़ी गाड़ी में 7 सीटर में दे रखा है तो ये गाड़ी में पावर आपको नहीं मिलेगी। भाई देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इंजन सीसी से कुछ नहीं होता है ठीक है, इंजन ट्यूनिंग से मतलब होता है। आप देखेंगे कि 1000 सीसी के जो जर्मन इंजन होते हैं वो तो एकदम आगे लगा देते, इतना तगड़ा भागते हैं कि कुछ कहने को नहीं। कुशाक में भाई 1 लीटर इंजन आता है, 1000 सीसी का इंजन आता है। स्लाविया में भी 1000 सीसी का ऑप्शन आपको मिलता है, 1 लीटर इंजन का ऑप्शन आपको मिलता है और एक 1.5 मिलता है। तो क्या आप स्लाविया को अंडर पावर्ड बोलेंगे या फिर क्या कुशाक को अंडर पावर्ड बोलेंगे, नहीं ना। उसी तरह से भाई अल्टो K10 की जो ट्यूनिंग है वो अलग है, इसकी जो इंजन ट्यूनिंग है वो अलग है। ये गाड़ी भाई आपको देती है 71 BHP विद 96 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि पर्याप्त है। इसमें आप 0 to 100 देख लो, इसकी टॉप स्पीड देख लो, किसी चीज में भाई आपको अंडर पावर नहीं फील होगी। 7 लोग आप बैठा के चल रहे हो तो गाड़ी बहुत सही परफॉर्म करती जाएगी। तो ये चीज मैं बता सकता हूँ भाई क्योंकि मैंने ये गाड़ी बहुत ज्यादा चलाई है,
तो अंडर पावर्ड भाई आपको ये गाड़ी फील होने वाली नहीं है। अपने फैमिली के हिसाब से अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। कश्मीर तक ये गाड़ी गई है, पर कहीं भी गाड़ी ने ना नहीं बोला कि नहीं बस अब नहीं हो पाएगा, अब चढ़ नहीं पाएंगे। भाई बहुत तगड़ी गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो पावर के मामले में जिनको भी ये लगता हो कि ये गाड़ी अंडर पावर्ड है, सो भाई अपने दिमाग से ये मिथ क्लियर कर लो, गाड़ी अंडर पावर्ड नहीं है। तो भाई उसके बाद बात करते हैं हम इसके बॉडी रोल और सस्पेंशन की। तो अगर हम बात करें बॉडी रोल की, तो भाई देखो पीछे इसको याद तो नहीं रहा है, पता चला कि वो हड़बड़ा के लड़ जाए। बॉडी रोल में भाई गाड़ी में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी गाड़ी पलटने वाली है, ठीक है। कितना भी हम इसकी स्टीयरिंग वगैरह मोड़ दें, अभी तो देखो मतलब इसकी स्पीड कम है, पर हाई स्पीड में भी गाड़ी आप आराम से ऐसे इसे मोड़ सकते हैं और बॉडी रोल इसमें कुल मिला के आपको फील होगा नहीं। बात करें सस्पेंशन की, तो भाई गाड़ी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। ब्रेकर वेकर भी इसमें आपको कुछ खास पता नहीं चलेंगे। तो जब आप लंबे रूट पे जाते हैं तो गाड़ी आपको काफी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करती है, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। और भाई कंफर्टेबल गाड़ी इसलिए भी है क्योंकि इसके सस्पेंशन काफी ज्यादा बेहतर है। तो सस्पेंशन के मामले में भी गाड़ी बहुत सही है। उसके बाद भाई एक चीज और है कि रेनो ड्राइवर माइलेज नहीं देती। ये भी एक काफी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है कि रेनो ड्राइवर माइलेज नहीं देती है। अभी भाई देखो 12.7 का दे रही है, जब मैंने स्टार्ट किया था तब आपने देखा होगा कि ये 11-12 का ही दे रही थी। हाईवे पे भाई ये माइलेज अच्छा देगी, पर सिटी में देखो जैसे अभी भी मैं एसी वगैरह सब कुछ चलाए हुए हूँ, तो एसी अगर आप चला के चलेंगे गाड़ी पे तो थोड़ा सा आपको माइलेज ड्रॉप होगा सिटी के अंदर। सिटी के अंदर भाई ये 12-13 का ही माइलेज निकाल लेगी। हाईवे पे ये गाड़ी 17-18-19 तक का भी निकाल सकती है अगर आप इसे 80 के आसपास चलाएं। अगर आप 100 के ऊपर जाएंगे या 120 तक अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये आपको 15 का माइलेज देगी, क्योंकि भाई मैंने हर तरह से चलाई है तो मुझे इसका रियल लाइफ माइलेज पता है। तो रियल लाइफ माइलेज है भाई इसका सिटी के अंदर 12-13 और हाईवे पे तो 17-18-19 तक दे सकती है। 120 तक चलाओगे तो 15 के ऊपर भाई माइलेज आपकी गाड़ी नहीं देने वाली है, 5-6 लोग बैठाने के बाद। उसके बाद भाई बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स की। 70,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, पर गियर बॉक्स भी भाई देखो आज भी कितना ज्यादा स्मूथ है, आप इसे यहीं से देख सकते हो। देखना ये देखो, देख रहे हो ये, तो मेरी गाड़ी साइड आ गई थी गियर दिखाने में, देख रहे हो ये कितना ज्यादा स्मूथ है, मतलब आप इसे एकदम उंगलियों से ही कंट्रोल कर सकते हो। तो गियर बॉक्स भी भाई गाड़ी का काफी ज्यादा स्मूथ आपको मिल जाएगा। मतलब इस बजट में ये एक ऐसे आने वाली गाड़ी है जिसमें कि भाई कोई दिक्कत होती ही नहीं है और आपको फील ही नहीं होगा कि यार क्या आप सच में इतनी सस्ती गाड़ी चला रहे हैं। वैसे सस्ती नहीं भाई, 8-9 लाख रुपए कम नहीं होता, पर ये एक ऐसा अमाउंट है जिसमें कि आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड आ जाते हैं। इस बजट में आपको ये ऐसी गाड़ियां मिलती है, स्विफ्ट और अल्टिका के लिए अगर आप जाएंगे तब तो फिर ये ऊपर ही निकल जाती है। साथ में भाई सेफ्टी बहुत जरूरी है अपनी फैमिली के लिए भी, आपके लिए भी। अगर मैं उस दिन ड्राइवर के अलावा ये कोई स्विफ्ट चला रहा होता मेरे बहुत तगड़ी चोट आई होती, क्योंकि भाई गाड़ी सेफ नहीं थी। तो सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए भाई ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। उसके बाद भाई हम बात करते हैं इसके इंटीरियर और इसके इंटीरियर की क्वालिटी के बारे में। इंटीरियर में भाई आपको हर जगह हार्ड प्लास्टिक ही देखने के लिए मिलेगा। जो RX-Z थी, मतलब मेरी वाली, उसमें यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा था, फैब्रिक था, पर इसमें हर जगह ही आपको हार्ड प्लास्टिक देखने के लिए मिलेगा। पर इंटीरियर देखो आप ऐसे देख सकते हो, अब कुछ बहुत प्रीमियम भी नहीं लगेगा, पर हाँ बहुत इन्फीरियर भी नहीं लगेगा। कैसा ऐसा इंटीरियर है, एकदम अजीब सा है या सस्ता देखने में अंदर से लग रहा है, देखो इंटीरियर भी आपको हर जगह से बढ़िया इंटीरियर देखने में लगेगा, पर हाँ हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज देखने के लिए मिलता है। तो क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी ठीक है, देखो कहीं से भी अभी कलर वाला इसका फेड नहीं हुआ है। और गाड़ियों में तो भाई कलर फेड हो जाता है इंटीरियर का, जिसमें कि ब्लैक होता है खासकर वो, जिसमें आपको ब्लैक एंड बीच कलर का इंटीरियर देखने के लिए मिलता है जो कि बढ़िया लगता है देखने। मतलब देखो वो तो अपनी अपनी चॉइस हो जाती है कि किसी को अच्छा लगता है किसी को अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद भाई बात करते हैं गाड़ी के ब्रेकिंग की। तो ब्रेकिंग भाई गाड़ी में ठीक है, ABS गाड़ी का काफी अच्छा वर्क करता है। कई बार ऐसा हुआ कि ऐसा लगा अरे भाई लगता है तो गए, पर पूरा ब्रेक अगर दबा दो तो गाड़ी जाके उस जगह पे रुक जाती है। मतलब मेरी वाली के साथ तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट हुए कि जैसे यहाँ से सफारी इतनी दूर में गाड़ी 110 पे चल रही है, अचानक से आगे रोड ही खत्म हो गया, मतलब ऐसे ओवरब्रिज पे जा रहे हैं, ब्रिज पूरा टूटा हुआ है, तुरंत ब्रेक मारा वरना सीधे नीचे। तो ब्रेकिंग भी एक भाई आपको गाड़ी में बहुत सही मिलती है। और भाई एक स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं भाई, ये देखो ये तो मैं खुद ही से प्रमोशन कर दे रहा हूँ, ये देखो ये भाई सरकारी देसी ठेका शराब। तो भाई अगर मैं दूसरे प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता हूँ, मतलब अच्छाइयाँ बता के, तो बढ़िया ये भाई अपना ही ठेका है, आके यहाँ पे बैठना बढ़िया देसी का ठर्रा लेना। ओम फो, तो भाई मजाक कर रहा हूँ,
आते हैं अपनी वापस टॉपिक पे, तो ब्रेकिंग भाई गाड़ी में अच्छी, बस टाइम टू टाइम इसके ब्रेक शू वगैरह चेंज करवा लेना भाई। बात करते हैं रीजंस टू बाय एंड नॉट बाय। अगर आपकी फैमिली 7 लोगों की है, आपके पास 5 सीटर का ही बजट है, तो आप रेनो ट्राइबर में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पावर चाहिए, आपको ऑफ रोडिंग करनी है और आपको हवा में उड़ना है, तब आप इस गाड़ी को नहीं ले सकते हैं। अगर आपको टैक्सी में चलाना है, ये गाड़ी आपके लिए नहीं बनी है। फैमिली के लिए एक कंफर्टेबल गाड़ी लेनी है, एक ऐसी गाड़ी लेनी है जिसमें कि आपकी फैमिली सेफ रहे, सेफ्टी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, कंफर्ट के साथ भी ना हो, क्वालिटी के साथ भी ना हो, तो इस गाड़ी में आप जा सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने इसके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे और जितने भी पॉइंट्स आपके दिमाग में होंगे सबके सब मैंने इसमें कवर किए होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय श्री राम।